कहानी की खास बात ये है कि एक्चुअली जब व्हेन आई वाज राइटिंग दिस फिल्म तो मैं आई वांटेड टू राइट अ फिल्म जो आज के यंगस्टर्स की लैंग्वेज बोलती है, आज के यूथ की लैंग्वेज बोलती है. एंड आज का यूथ बहुत ही बिंदास है, केयर फ्री है एंड यू नो फ्रैंक है और उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता किस चीज़ से. बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन उनको भी प्यार हो सकता है और जब प्यार हो जाता है तो क्या होता है, मतलब देन दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट, प्यार या प्रैक्टिकल. तो ये एक थॉट था पिक्चर का. एंड मैं जब दोनों से मिला भी था तो मैंने एक वन लाइन सुनाई थी उनको, तो अच्छी लगी थी उनको, बहुत एक्साइटिंग थी. एंड ही सेड हां लेट्स वर्क ऑन दिस एंड देन वी स्टार्टेड राइटिंग इट एंड इट जस्ट केम आउट टू बी लवशुदा. एंड या इट्स अ फिल्म दैट शुड एंटरटेन पीपल, यंगस्टर्स, उनको बहुत अच्छी लगनी चाहिए. एंड या इट्स लॉट ऑफ फन एंड दैट्स व्हाट लवशुदा इज. सी, मुझे लगता है कि एक एक्टर का काम हर फिल्म में टू डू जस्टिस टू द कैरेक्टर होता है कि यार अगर आप आपके पास अगर ऐसी फिल्म मिले तो अपना एक कैरेक्टर के रंग में रंग जाओ, अगर वैसी कैरेक्टर में तो अकॉर्डिंग टू दैट. और उसमें मुझे लगता है कि फर्स्टली आई थिंक एक तो वैभव ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जहाँ पे कैरेक्टर के लिए बहुत डेप्थ था, तो लॉट ऑफ थिंग्स केम फ्रॉम द स्क्रिप्ट. देन शामली वॉज डन द स्टाइलिंग फॉर मी. That also, she's also a very big contributor to that, and bus everything just worked out from the script really. Sir, talent zaruri hai because acting ek totally alag feel hai as compared to beauty pageants or ramp walk. So talent zaruri hai. Mujhe lagta hai, main to born actress thi. With so, haan, mere papa yahan pe hai, so unko zyada pata hoga ki main kitni born actress thi. But yeah, there are two different lines. Aapki shaadi hui hai? No. आप किसी बैचलर पार्टी में गए हो? नो. यार तो आप यार कैसे है, रॉन्ग क्वेश्चन पूछा आपने. यार कितने लोग बैचलर पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सुबह को उठते हैं, उनको यार हैंगओवर होता है, तो उसका मतलब थोड़ा ना कि यार वो पिक्चर कॉपी है हमारी. इट्स अ वेरी रियल थिंग. आई थिंक इफ यू रियली दैट्स जस्ट अ लेयर, इट्स नॉट द फिल्म. एंड टू जस्ट जनरलाइज इट लाइक दैट इज नॉट रियली फेयर. बट आई व्हेन पीपल गेट टू सी द फिल्म दे विल रियलाइज दैट ओके यार ये पिक्चर में और भी है. That just might be one layer of it, but as an onion, there's many layers to this film. मैंने तो उनको बस कहानी का एक हिस्सा बताया था और मैंने बोला था कि ये parting song है और फिर इन्हें ही मतलब he's a magician, he just created this thing and it was beautiful. It was जैसे उन्होंने मुझे mail के पे पूरा brief दिया था. I think वह बहुत meticulously काम करते हैं, हर चीज बहुत तरीके से आया. और मुझे यही जैसे सईद कादरी साहब ने बताया कि मोहब्बत में हमेशा वो इनसिक्योरिटी से हम सब उसके शिकार होते हैं कि कब पता नहीं लोग बार बार टच फुट करते हैं इसी बात से कि वो जो खुशी है, वो जो सेलिब्रेशन है, वो ख़त्म ना हो जाए. इसलिए काश वो पल पैदा ही ना हो जिस पल में नज़र न दुआए, घर कहीं ऐसा पल हो तो इस पल में मर जाए. मैसेज तो यही है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, लव बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन इट्स वर्थ इट, ये हमारी एक लाइन है. तो मतलब हिम्मत चाहिए लाइफ जीने के लिए, और अगर आप हिम्मत है आपके पास तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. आई थिंक ये एक मैसेज है तो हम इस पिक्चर से देना चाहते हैं. 5 फरवरी भी दूर नहीं है यार, 2 हफ्ते देख लेंगे लोग और क्या. टाइम ज़्यादा मिल गया सर. देखो प्यार का सीजन नहीं होता है, प्यार हर साल रहता है, हर टाइम रहता है. दिल से करो बस.